छोरा भैया कुछ ना दिख रहा है यहाँ तो। कितना बड़ा यार, यू कैन सी द ट्रैफिक लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। वाह बॉस, फाइनली इट्स डन। मतलब जानने से पहले कराना मैंडेटरी था, क्योंकि वहां पे जाकर के रिपोर्ट मांगेंगे ना तो वाट लग जानी है, इसलिए पहले करा के जा रहे हैं। मांगे ना मांगे एक सेकेंडरी है। सो ऑल डन, ऑल डन। क्या मालिक, मैंने कुछ सुना, मैं जब तक आ नहीं पाया। मतलब तुम्हारे साथ आरटीपी हो गया। सो चलो जल्दी फ्रेश होते हैं, फिर रेडी होके निकलते हैं बाइक पर। सो ऑल चेक। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली वी आर लिविंग। सुबह सुबह कोविड टेस्ट, मतलब कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराया ना तो वाट लग गई, मतलब कि यहाँ पे ऐसा जल रहा है ना। सो आज अपने अपना टारगेट है कि अपने मिनिमम श्रीनगर तो क्रॉस कर ले, श्रीनगर तो पहुंच ही जाए। हम आरटीपीसीआर करवा के आए थे, बट हुआ ऐसा कि 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है तो वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर नहीं हुआ बट शायद वो उसको माने नहीं, तो हमने क्या एक करा लिया यहाँ से कि बाई चांस कोई इशू हो तो अपने पास प्रूफ कर लियो, क्योंकि ऐसा पता लगा था कि अगर किसी का आरटीपीसीआर नहीं होता तो उसको वहां से वापस भेज रहे थे, आगे अलाउ नहीं कर रहे थे। तो चलो बाइक वैसे लोड कर दिया, बाइक पर सब बांध दिया है, नीचे जाते हैं। क्या हो जाए भाई, हो जाए भाई, ऑल सेट, सब बाइक ऑलमोस्ट सबका रेडी हो गया, कर लिया मैंने, अपना भी चेक कर लिया, तुम्हारा भी चेक कर लिया, बाइक रेडी, बस टैंक बैग लगाने का और अपने रेडी होके निकलने का है। सो लेट्स गो। इट्स 9 o'clock, सुबह सुबह निकलने का था ये, वैसे जल्दी निकलते बट वो आरटीपीसीआर के लिए थोड़ा टाइम लग गया। अब कराया है रिपोर्ट अपने को रात तक, बहुत सब या उस पर मिलेगा। सिटी में तो यार यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है ना, बहुत है यार, और एक तो कंजेस्टेड बहुत है, और लोगों का चलाना, और मतलब क्या बोलो कि मतलब ऐसा लगता है कि लास्ट राइड है उनका, मतलब कि लास्ट ही है, मतलब कि आज या तो आर या पार, या तो वो तुम्हें उड़ा देंगे या खुद उड़ जाएंगे, लेकिन उड़ेगा जरूर कोई, मतलब कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ, अगर तुम्हें बचना है तो खुद भैया बच के ही चल लो यहाँ से। तो हम लोगों ने कल 4 बार रिक्शा में ट्रेवल किया था, और बाप रे रिक्शा वाला जो मतलब चला रहा था, मतलब ले इधर दे उधर, ले इधर दे उधर। अपने को यहाँ से जाना है लेफ्ट, हम आए जब से जो स्ट्रेट रोड से आए थे जलंधर से, बट इस बार अपने को जाना है यहाँ से लेफ्ट। सो अपने को जाना है पठानकोट बटाला साइड। अरे अरे पाजी टर्निंग पे ही खड़े हो, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, गोप्रो जस्टिस कर पा रहा होगा नहीं, जो क्लाउड्स के बीच में से जो सन की रेज है ना वो ऐसे प्रॉपर ऐसे रेज जैसे दिखते ना अलग अलग लाइंस में, ऐसा ऐसा दिख रहा है, क्या मस्त लग रहा है। वेदर भी अभी अभी गर्मी ज़्यादा तो नहीं लग रही। पंजाब मोस्टली किस चीज़ के लिए फेमस है सबको पता ही होगा, फार्मिंग के लिए। डिवाइडर के उस साइड देख सकते आप, क्या मस्त लग रहा है। पठानकोट अमृतसर टोल,
तुमने पठानकोट क्रॉस कर दिया है अभी? जितना टाइम कवर करने की वजह से जितना थोड़ा सा स्ट्रेच किया था पाजी का और भाई का, जय भाई का वेट करने में पूरा वो टाइम निकल गया। वाव, इधर से मस्त माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। अरे अरे मस्त गूज़बम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मस्त एक्साइटमेंट हो रहा है बिड़ू। सो आप लोगों को ये व्यू देख के कैसा लग रहा है यार? अब ऐसा लग रहा है कि अब राइड स्टार्ट होने वाला है जिसके लिए अपने 4 दिन से निकले हुए हैं। मतलब मजा आ गया, मतलब अभी तक जितनी थकान थी या जो भी सब था ना, मतलब ये व्यू देखते ही जो माइंड में रिलैक्सेशन आया ना, मतलब क्या बोलूं गाइस। क्या कह रहे पाजी? हाँ हाँ आरटीपीसीआर है, हैगा 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 आरटीपीसीआर रिपोर्ट ना। कोरोना टेस्ट जो इधर हुआ है? हाँ हाँ वो करा के आए हैं। हाँ आरटीपीसीआर रिपोर्ट बोलते हैं, दिखा। वो तो दिखाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे पाजी पहले श्रीनगर फिर लेह लद्दाख पूरा। कब का है ये अपना? हमने 9 तारीख जब निकले थे उस दिन कराया था। ये नहीं चलेगा भाई, आपको फिर कराना पड़ेगा। नहीं सुबह कराया हमने, उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी पाजी। कहाँ पे बात करनी है? इन वाले साहब से। भाई पाजी हम 10 को निकले थे जब कराया था ये, बाकी सुबह सुबह अमृतसर में करा के निकले हैं बिल्कुल अभी, उसकी रिपोर्ट लेकिन शाम तक आएगी। सो अगर आप अमृतसर की साइड से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको जाने नहीं देंगे। जब से अमृतसर से निकले हैं जब से रोड का कंडीशन मतलब एक नंबर है, मतलब कोई ऐसा रोड कहीं खराब नहीं, कहीं टूटा नहीं, एक दो जगह छोटे मोटे पैचेस आए थे उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अब अराउंड 1.5 किलोमीटर बाद ही रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे थोड़ा सा, फिर आगे निकलेंगे। आज का टारगेट वैसे हमने श्रीनगर ही रखा है, बाई चांस कहीं पर इशू आया तो वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं आसपास कोई होटल में स्टे ले लेंगे। वैसे इशू कोई कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ही पुराना वाला अपना आरटीपीसीआर पीछे दिखाया था तो उन लोगों ने अलाउ कर दिया था, इसका मतलब उसको अलाउ कर ही देंगे। ये भी नहीं पता था कि कोविड टेस्ट को आरटीपीसीआर बोलते हैं। मेरे को बोलता है कोविड टेस्ट, मेरे हाँ है, मैंने आरटीपीसीआर ना कि नहीं कोविड टेस्ट। तो बस अभी खाना वाना खाया, निकल रहे अब। खाना लगता थोड़ा सा ज्यादा खा लिया और ब्रेक भी कुछ ज्यादा ही लंबा ले लिया। 1 घंटे का ब्रेक कौन लेता है यार? हम सब अंकित भाई की वजह से होता है सब। ओ अंकित भाई, पहाड़ के उस तरफ जाना है हमें, तो मैं क्या बोलता हूँ रोड पे से नहीं जाके सीधे चढ़ा देना। ये एक बहुत ही उद्यमी बालक है। उधमपुर 93 के आगे से राइट है भाई, अपने जा रहे हैं उधमपुर और यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। रुक गए मेरी जान, तुमने बोला और हम रुक गए, चले ठीक है। देखना ऑफ रोड हो गया स्टार्ट, चल रजत खड़ा हो जा। इतना ज्यादा ऑफ रोड नहीं है, आ जाओ, कोई ऑफ रोड है ही नहीं, बस वो पैचेस है बीच में। सर रियल में असली राइड स्टार्ट हुई है अब जो टर्न्स और ट्विस्ट आने वाले हैं ना, तो मस्त मजा आने वाला है दोस्तों, मस्त मजा आने वाला है बिड़ू।
All I need is 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope by now. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or leave you alone? So let me know if you gave up hope. I need 10 more minutes with you. क्या मस्त रोड है एंड स्ट्रेट बिल्कुल, मतलब इस पे तो वो वाला पोज देने का मन करता है कि पीछे से कोई फोटो क्लिक करे। अरे रुक जाओ, मैं आगे निकल जाऊँ पहले, बाद में दूंगा पोज। पता नहीं, दिखा तो ऐसी रहे। श्रीनगर जाना, श्रीनगर अच्छा, ये हाईवे पे चढ़ रहा है। मारो अंकल मारो। ओ भी मजा आएगा ना बिड़ू, देख उधर देख यार, ओ देख हंसता कौन, तो हमें दिखे तुम्हें दिख रहा तो तुम रोक लो ना। ओ भाई भाई अल्ट्रा प्रो आ रहा, हट जाओ, उड़ा के ले जाएगा साथ में। भाई ऐसा एग्जॉस्ट डलवा यार तुम भी यार। अरे यार अब ये ट्रैफिक क्यों है, आई होप बाइक निकलती रहे तो अच्छा है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पर, बस यहाँ पर आकर के यही प्रॉब्लम से ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि अगर लैंडस्लाइड हो जाएगी दिक्कत ही हो जानी होती है। झूठ नहीं बोलूँगा, कोई लैंडस्लाइड हुई नहीं है, कोई भी बात पे यकीन करना मत, पहली कमेंट मेरी होगी, पिन करना उसको। तो हमने बोला कब के लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड ही हुई है अभी तो, तुम बोल रहे थे नहीं हुई है, हुई है वो बाजी पता नहीं ऐसे ही फेंक रहे। यहाँ हमारे पाजी मतलब बता रहे कि करना क्या है, मतलब पाजी क्या समझा गया है तुम उन्हें, कभी रूट चेंज करवाया क्या? पाजी ने समझाया पत्थर थोड़ा नीचे डाल दो, थोड़ा ऊपर कर लो तो जगह खुल जाएगी, हम निकल जाएंगे। यहीं से उधर उठा के रख देंगे तुमको। अब ऐसे ही बैठो।
मुझे भी व्लॉगिंग करने का मन है पर अपना बैग उधर है वो टैंक में, अभी लेने कौन जाएगा वहाँ पे। भाई परेशान हो गया यार, कब से फंसे हुए, 2 घंटे हो गए यहाँ पे, लैंडस्लाइड हुई है, 2 घंटे से यहीं पे बैठे हुए हैं नीचे, देखो है ना। 20 मिनट तो मुझे लगा कि तुझे झूठ बोलना है तो मतलब सही से झूठ बोलू। अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये अगर क्लिप नहीं डालेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो कुछ नहीं, लैंडस्लाइड हुई है नहीं हुई है पता नहीं, पाजी बोलते नहीं हुई है, जय भाई बोलते हुई है। नहीं हुई, मैं बात करके आया, रोड क्रॉसिंग का काम है, लैंडस्लाइड नहीं है। क्या हुई है? रोड क्रॉसिंग का काम है, लैंडस्लाइड नहीं है। तो पर उनको पूछो ना, पूछ लिया था। अरे ऐसा नहीं, उनको ऐसा पूछोगे अभी तुमको पता चला क्रॉप कर रहे हैं अभी तक का, मतलब गवर्नमेंट ने फंड अभी दिया रोड क्रॉसिंग करने का, ले लेते हमसे फंड, फंड तो लेके ही आए यहाँ तक। बावो, बैठे ही ले फंड वाली। अरे फंड मतलब अपने मजूर लेके आते हो बंगाल से, उनको बोलते हैं हाथ से हटाओ सारे पत्थर फटाफट फटाफट। खुद के तो आने के बांधे हो रहे थे, आए मजदूर को लेके आते। अभी ये झूठ बोल रहा है, ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना यार, खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तेरी तरह एडवेंचर बाइक लेके आया हूँ मैं, निंजा माइटी कावासाकी निंजा लेके आया हूँ, माइटी वो भी माइटी, 4 बार बोलना पड़ेगा मेरे को माइटी। ये टायर में हवा कैसे कम हो गई? अब बच्चा तो हो गया लगता है, हवा नहीं कम है साले, बराबर है। देख जो जी परेशान करे ना। देख मेरे ब्लॉग में तूने मस्ती नहीं की है। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मार। कीबा क्या मस्त लग रही है एकदम, उधर स्लाइड लैंडस्लाइड हुआ है पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ कुछ काम चल रहा है, वो खत्म होगा तो निकल पाएंगे। 20 मिनट जैसा तो हो गया बैठे हुए, अभी देखते क्या होता है, मतलब बस 5 मिनट का टाइम होता अपने पास तो निकल गए यहाँ से। सो फाइनली इट्स ओपन, कितनी धूल उड़ रही है यार। जय जय भाई में तो बुलेरो वाले ने चिपका दी थी, आर्मी वाले ने उसको पीछे करवाया, वो मतलब हल्का से टच हुआ था, बैग में टच हुआ था। चलो मैं रपोटा मैं ADV का फायदा तो उठा लूं थोड़ा सा। वो 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 मैन, क्या मस्त व्यू है यार। सो अब आने वाली है चिनेनी टनल, ये 9 किलोमीटर लंबा टनल है। बहुत ट्रैफिक है यार। ठीक है पाजी, अपने भी पीछे ही हैं भाई, ट्रकों के बीच में से घुस घुसा के निकल रहे हैं। बस मैं और शुभम ही हैं, भाई तो वो पीछे रह गए दोनों। अरे यार तो ये है चिनेनी टनल, 9 किलोमीटर लंबी टनल है। एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं है कि अगर पहले एक दूसरा रास्ता था तो पटनी टॉप से निकलता था, अराउंड 40 किलोमीटर जैसा वो रन, 30 या 40 किलोमीटर जैसा वो रन था। बाद में इस टनल के बनने के बाद 40-30 किलोमीटर कवर करने की जगह 9 किलोमीटर में वो एरिया कवर हो जाएगा। ये वही टनल है जो अगर आप लोगों ने किसी ने कभी देखा हो, एक टनल का वीडियो वायरल हुआ था कि बहुत सारे लोग वो कार में बीच में टनल में रोक करके वो डांस वांस किया था उन लोगों ने, ये वही वाला टनल है। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50 की, हाँ बट अपने थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो 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 तो
तो कोई नहीं, अब शुभू का दुख मैं समझ सकता हूँ। हालत मेरी भी खराब हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था टनल के अंदर, तीनों के हमारे गोप्रो बंद पड़ गए। पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। मेरा होता, उसका होता, एक दो का होता मान सकते, लेकिन तीनों के गोप्रो भी बंद हो गए। मैंने चलती बाइक पर जल्दी जल्दी से दो बैटरी चेंज करी, जब जा करके चालू हुआ। शुभम ने तो बेचारे ने देखा चालू ही नहीं था, हुआ ही नहीं उसका भी चालू। चलो भाई लो, यहाँ जाम लगने से पहले निकल लो। शुभ चल, यहाँ जाम लगने से पहले निकल ले। थोड़ा सा ही आगे निकले और ये कंडीशन। एक वापस से लगता है कि शायद वापस से कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, क्या पता नहीं, लेकिन वापस से ट्रैफिक जाम हो गया। चलो कोई नहीं, अपने निकलते रहे धीरे धीरे आगे। इधर उधर घुसा घुसू के ये नहीं, नहीं गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। अरे यार कितना ट्रैफिक होगा। अरे बाप रे, ये है आर्मी का टैंक, कितना बड़ा यार। यू कैन सी द ट्रैफिक लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। ये अच्छा है, मतलब टैंक है सब कुछ है, तो क्या आर्मी वाले खुद ही उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि ट्रैफिक को, और मतलब आगे से भी ट्रैफिक रोक दिया, इधर भी रोक दिया, जिससे कि भाई वो इजीली आए। यू कैन सी द, मतलब उसको कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है कि मतलब कि टायर के जो मार्क्स हैं वो भी इस पे आ रहे हैं। ये चीजें देखना भी मतलब अपने में एक बहुत बड़ा अच्छा, मतलब खुद को बहुत अच्छा फील होता है। clear, 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 clear. आजा, clear, एकदम clear. नहीं उसने हाथ दिखा दिया। अरे माँ कसम, बोल भी नहीं रहे, आगे से ट्रक आ रहा है। पाजी हम निकल जाए क्या? क्या मस्त, कितना ज्यादा पानी का प्रेशर है। मस्त मन कर रहा है नीचे जाओ और नहा लो एक बार। ओ वो वो वो, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर वहां से पेड़ गिरे तो गिरता हुआ कैसा लगेगा। लगता ये पागल हो गया। एक दो तीन चार, ये तो इसी में कंबाइंड है। पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मतलब कि बारह तेरह माउंटेन्स दिख ही रहे यहाँ से। चलते रहो बस, चलते रहो बस, चलते रहो बस, चलते रहो। भाई साहब जाने दीजिए। पीछे जेसीबी जो होती है उसी के ऊपर लैंडस्लाइड हो गया तो वो अंदर फंस गई है। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, वापस से पता नहीं क्या हुआ आगे। अरे बाप रे, वहां तक कितना लंबा ट्रकों का लाइन है यार। ऐसे नहीं निकलने का अपने को, हल्का सा भी उसका आइडिया नहीं हो। ड्राइवर को इधर मोड़ दे तो अपनी वाट लग जाए। तुम्हें क्या लग रहा है हम कौन सा जो है कई किलोमीटर आगे आ गए? 125 वो भी ट्रैफिक में ही है। पानी में आगे निकल गए। ओके मैं गलत जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ। आ जाओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। आते जाओ आते जाओ आते जाओ, जाते जाओ आते जाओ, जाते जाओ आते जाओ, जाते जाओ आते जाओ। सिक्योरिटी वाले ने अपने को रोक दिया था, जो यहाँ का पुलिस वाला, कि आगे नहीं जाना, लैंडस्लाइड है, वैसे ट्रैफिक जाम तो वहाँ तक है, लेकिन इससे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर जाने तो हमारा ग्रुप पूरा आगे है, थोड़ा सा मतलब पोपट बनाया जाने के लिए। बट इफ यू कैन सी ना, वो रहा वहाँ तक का ट्रैफिक जाम। ये क्या बन रहा है यार? ओके ये इसलिए बना दिया होगा, भाई लैंडस्लाइड मोस्टली होती रहती होगी, तो अगर बाई चांस हो तो ऊपर से ही निकल जाए। क्या बात है, अपनी बाइक की लाइट दिखती है। ओ
रहा भैया, कुछ ना दिख रहा यहाँ तो। अगर एडी भी है तो क्या दिक्कत है। तीन बोल दो चाचा, तीन ऑमलेट करना, अच्छा बनाना। बस आज तो लग गई, मतलब 18 किलोमीटर का जाम एक साइड, मतलब वाट लगा डाली। और कंडीशन दिखाता हूँ सबकी कैसी हो रखी है, ये देखो बम की जैकेट से पता लग रहा होगा कि क्या कंडीशन, कहाँ चला है क्या है। ये देखो जो भी था ट्रैफिक था, कुछ भी था, लेकिन जो एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम याद रहने वाला एक्सपीरियंस है यार। लग गई वाट, मतलब जहाँ जगह मिल रही है बस वहाँ घुस रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ा रहे हैं, कभी नीचे उतार रहे हैं, नालियों में उतार रहे हैं। निंजा 1000 को मतलब नालियों में घुसा घुसा के निकालना पड़ रहा है, ऐसा आ गया टाइम देख लो। बस थोड़ा चाय वाय पीते हैं। कुलदीप और अभिषेक तो अभी बहुत पीछे है, निकले थे जब हमसे तो बहुत आगे थे, अभी फिलहाल ट्रैफिक के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 2 घंटे पीछे है। तो चाय वाय पीते हैं जल्दी से, फेस वॉश वेस वॉश करते हैं, निकलते हैं फिर। इतना ट्रैफिक है कि 12 घंटे हो गए हम लोगों को चले हुए बाइक पर ही, और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला। मतलब बस हाइट पे जा रहे हैं और जितना हाइट पे अपने जा रहे हैं ना उतना ठंड बढ़ती जा रही है। हम पहुंच गए जवाहर टनल। सो एक यही टनल है जो फिलहाल ऊपर का जितना भी पोर्शन है और नॉर्थ का ऊपर का, उसको और नीचे के पोर्शन को लिंक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सारा का सारा रास्ता कम्प्लीटली आर्मी के अंडर में रहता है, वैसे मोस्टली सबको पता ही होगी ये चीज। यार ये तो टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, चली रही है। तो फाइनली ये घाट सेक्शन खत्म, खुली रोड मिलेगी अब। अंकित भाई की भी हालत टाइट हो गई, उनके हाथ में बहुत दर्द हो गया। बस अब स्ट्रेट रास्ता ही है आई गेस। अभी अभिषेक भाई और कुलदीप आ जाए पीछे से, फिर निकलेंगे आगे के लिए। देखो अंकित भाई के हाथ बेचारे, कोई नहीं तुम्हारा दुख समझ सकते हम। चलो निकले, गाड़ी चलाएगा, बाइक चलाएगा, चप्पल में चलाओ, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो आगे कुछ इशू हो गया पाजी के साथ, आई थिंक बाइक स्लिप हो गया है, कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हुआ। अभी कॉल आया था, हम 5 एक साथ थे, अभिषेक, मैं, अंकित, शुभम, कुलदीप, पहुंचते देखते क्या हुआ। तो बस जय भाई का एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, अपने ना फंसे इस वजह से जो यहाँ के CRPF वगैरह वाले होते हैं वो अपनी हेल्प के लिए आए यहाँ पर। मुझे पता है ये पूरा पूरी बेल्टी ऐसे ही है, बोलते हैं कि पूरा मिलिट्री का इलाका है, पता है मुझे पूरा रास्ता ही ऐसा है ये। ठीक है तो चलो पाजी, फोन वोन का छोड़ो, निकलते हैं फिर, खामा खा वहाँ पे भी लेट ही होना है। ठीक है ठीक है, आप लोग निकलिए, क्या काम श्रीनगर में जाओगे फिर। मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। तो आपने क्लिप देख लिया था, रात थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी,
तो इस वजह से हम ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो इसलिए गुड मॉर्निंग हुआ अपना श्रीनगर से। कट हो गया, ऊपर कर थोड़ा, नीचे कर थोड़ा, अबे ऐसा टिल्ट। सो अपने जा रहे हैं श्रीनगर घूमने थोड़ा सा, इसको नहीं आने का है, कहता थक गया हूँ, तो ये अपनी फुटेजेस ट्रांसफर कर रहा है जितनी भी गोप्रो सबकी थी। हाँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।